नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन फ्राइड राइस। चिकन फ्राइड राइस बनाने के मुझे चाहिए एक गर्म कढ़ाई, उसमें ऑयल डाल के एकदम रेडी करके एग डालूँगा। एग डाल के इसको एग को अच्छी तरीके से फ्राई करूँगा, एकदम अच्छी तरीके से एग को फ्राई करूँगा। फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करूँगा मैं बॉयल्ड चिकन, छोटा छोटा काट के इसमें ऐड कर दूँगा मैं बॉयल्ड चिकन। बॉयल्ड चिकन और एग को दोनों को एक साथ अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा, एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स करूँगा। ये थोड़ा सा मिक्स होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बॉयल किया हुआ राइस। बॉयल किया हुआ राइस, राइस को ऐड करके मैं अच्छे तरीके से एकदम तीनों को एक साथ मिक्स करूँगा, उसी तरीके से मिक्स करूँगा इसको, इसी तरीके से इसको मिक्स करूँगा। थोड़ा सा टॉस कर लूँगा इसमें, इसका बाद इसमें सीजिंग ऐड करेगा। सीजिंग में आएगा आपका हरमेट पाउडर, सॉल्ट, वाइट पेपर, इसका बाद आपका थोड़ा सा शुगर टेस्ट के लिए। ये चारों को डाल के सबको एक साथ अच्छी तरीके से फ्राई करूँगा, एकदम अच्छी तरीके से फ्राई करूँगा। इसके बाद फ्राई करने के बाद मैं ऐड करूँगा आपका डार्क सोया सॉस। इसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगा डार्क सोया सॉस, जो इसमें थोड़ा कलर के लिए भी आएगा और आपका टेस्ट के लिए भी आएगा। डार्क सोया सॉस ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करूँगा मैं आपका हमारा प्याज पत्ता, जो स्प्रिंग अनियन छोटा छोटा काट के रेडी किया हुआ है पहले से, इसमें मैं ऐड कर दूंगा प्याज पत्ता। प्याज पत्ता डालने के बाद इसे मिक्स कर दूंगा और थोड़ा सा और फ्राई कर दूंगा। इसको फ्राई करने बन के रेडी हो गया आपका चिकन फ्राइड राइस। ये मेरा पूरा बन के रेडी हो गया चिकन फ्राइड।